अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस अकेडमी। सो वेक्टर्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि वेक्टर्स जो है वो स्केलर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि वेक्टर्स को स्केलर्स की तरह से हम ऐड नहीं कर सकते, बल्कि वेक्टर्स को ऐड करने का एक डिफरेंट तरीकेकार है जो कि हेड टू टेल रूल है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर भी किया था, और आज जो बेसिक टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो ये है कि वेक्टर्स को ऐड करना तो आ गया, अब क्या वेक्टर को उसके पार्ट्स में हम रिजॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो यस, हम ऐसा कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हवाले से ही है। सो सबसे पहले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन को समझ लो। देखो, अगर किसी वेक्टर को उसके अज्जा में, उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाता है, तोड़ा जाता है या स्प्लिट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और नतीजे में हमें कुछ कंपोनेंट्स हासिल होते हैं, दो कंपोनेंट्स हासिल होते हैं, और वो दोनों कंपोनेंट्स कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अगर पेपर में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जाए तब भी हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को बताना है, और फिर ये बताना है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के नतीजे में जो दो वेक्टर्स हमें हासिल होते हैं, उसके दो पार्ट्स हासिल होते हैं, उन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। तो एक वेक्टर v सपोज कर लेते हैं, एक वेक्टर v है, ठीक है, और वेक्टर v की लंबाई क्या है, वेक्टर v की जो लंबाई है वो o से लेके a तक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये इसकी लंबाई हो गई, और वेक्टर v जो है, जो एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, वो बन रहा है थीटा। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको अगर एक्सिस नहीं भी दिए होंगे तो आपको वेक्टर तो दिया हुआ होगा, बस आपने क्या करना है, एक वेक्टर है वेक्टर v, ओ से लेके ए तक बन रहा है, आपने जहाँ उसकी टेल है वहाँ पर एक्सिस बना लेना है। ये वाला एक्सिस कहलाता है वाई एक्सिस, और ये वाला एक्सिस कहलाता है एक्स एक्सिस। तो वेक्टर की टेल पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लोगे तो फिर रिजॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले रिजॉल्व करने का पहला स्टेप मैं आपको बताऊँ, रिजॉल्व करने का पहला स्टेप ये है कि आप जो वेक्टर का हेड है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है। जो वेक्टर का हेड है यानी कि पॉइंट ए है, वहाँ से एक्स एक्सिस की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, और एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाए, इस वजह से उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ए से एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जिस पॉइंट पे जाके मिली उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट बी का, ठीक है। ये हो गया हमारा रिजॉल्व करने का पहला स्टेप। को किसी भी एंगल में हो, किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो वेक्टर, बस आप क्या करें उसके हेड से एक्स एक्सिस की तरफ एक स्ट्रेट लाइन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और परपेंडिकुलर की खास बात यह है कि उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनेगा 90 डिग्री। अब यही जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट को जो ओरिजिन वाला पॉइंट था यानी कि टेल थी हमारे वेक्टर की, उससे आप ज्वाइन कर दें, ठीक है। ये आपने ज्वाइन कर दिया, अब आपके पास यहाँ पर दो कंपोनेंट्स, दो हिस्से बन गए एक वेक्टर के, ठीक है। एक वेक्टर वी था तो उसके दो हिस्से बन गए, एक बना है एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी कि ये वाला ओ बी, और एक बना है वाई एक्सिस के पैरेलल यानी कि ए से लेके बी। यही दोनों बेसिकली जो है ना वो हमारे वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, जिन्हें मैंने बताया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पहला कंपोनेंट मैंने बना दिया ओ से लेके बी, और हमें कैसे पता चला कि एरो राइट हैंड साइड पे लगाना है, तो आप देखो ये जो वेक्टर वी था इसके मुताबिक इसका एरो राइट साइड की तरफ जा रहा है कि लेफ्ट साइड की तरफ, अगर इस तरफ होता तो लेफ्ट साइड की तरफ होता, इस तरफ जा रहा है तो राइट साइड की तरफ, तो इस वजह से इसका भी एरो जो है वो राइट साइड की तरफ आ गया। अब इसका एरो कहाँ आएगा, जो हमारा वाई कंपोनेंट है, वाई एक्सिस वाला पार्ट है, तो देख लो इसके अंदर या तो नीचे या तो ऊपर हो सकता है। अब आप इसका एरो देख लें, जो वेक्टर है इसका एरो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, तो क्योंकि इसका एरो ऊपर की तरफ है तो जो आप रिजल्टेंट बना, जो आप ये वेक्टर का कंपोनेंट बनाएंगे वाई कंपोनेंट, इसका एरो भी ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गई ना, जिस तरफ रिजल्टेंट का, जिस तरफ ये रिजल्टेंट या वेक्टर वी का एरो होगा उसी तरफ दोनों कंपोनेंट्स का एरो हम बनाएंगे। और याद रखो इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। दोनों जो कंपोनेंट्स, दोनों जो हिस्से बने हैं वेक्टर के, दोनों के दरमियान में एंगल बनता है 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास वी एक्स है ओ से लेके बी तक का, वी एक्स का क्यों नाम दिया, वी एक्स का इस वैसे नाम दिया क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि एक्चुअली ये हॉरिजॉन्टल भी है। हॉरिजॉन्टल कहते हैं बिल्कुल जो हमारे अर्थ के या हमारी जो ग्राउंड होगी, या ग्राउंड देख लो, या आप डेस्क पर बैठे हो तो आप डेस्क की बिल्कुल जो लाइन में है यानी कि पैरेलल अगर देखोगे तो उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो कंपोनेंट है जो वाई एक्सिस के पैरेलल था उसको हमने नाम दिया वी वाई का, एक्स एक्सिस वाले को वी एक्स का नाम दिया, वाई एक्सिस वाले को वी वाई का नाम दिया। और वी वाई को एक्चुअली कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है, ये है ही वर्टिकल, जितनी भी दीवारें वगैरह हैं वो वर्टिकल हैं, वर्टिकल का मतलब हो गया 90 डिग्री पर जो भी बन रहा होता है। तो फिलहाल वी एक्स जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है, और वी वाई जो है वो कहलाता है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। और इन्हीं के लिए फॉर्मूले ड्राइव करने हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है।
तो सबसे पहले मैं आपको एक फिगर से एक बात समझा दूं, जो कि मैंने आपको कहा था कि ये वाकई इसके कॉम्पोनेंट्स हैं, इन दोनों को ऐड करके ही हम हासिल कर सकते हैं उस वेक्टर को, यानी कि जब हम वेक्टर के पार्ट्स बना रहे हैं तो उन पार्ट्स को ऐड करके भी वेक्टर को हासिल किया जा सकता है। तो देख लो फिगर के मुताबिक ओ ए बराबर है, ओ से लेके ए जो है वो बराबर नजर आ रहा है ओ बी प्लस ए बी। तो देख लो ओ बी, ऐसा नहीं लग रहा कि ओ बी के साथ ए बी ऐड हो रहा है, क्योंकि देख लो ओ बी के हेड से ए बी की टेल मिली हुई। तो हेड टू टेल रूल में क्या सीखा था, पहला वेक्टर बनाओ और दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड से मिला दो। तो हमने यहाँ पर ऐसे ही तो किया हुआ है, हमने ओ बी और ए बी को ऐड किया हुआ है, हमने ओ बी और ए बी को ऐड किया हुआ है जो कि फिगर के अंदर नज़र आ रहा है। और नतीजे में जो रिजल्टेंट बनता है उसके लिए क्या प्रॉपर्टी सीखी थी कि जो पहले वेक्टर का टेल है और लास्ट वेक्टर का हेड है उसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, ठीक है, और एरो वहाँ बनाओ जहाँ लास्ट वाले वेक्टर का एरो तो यहीं पर ही एरो लगा हुआ है। तो एक बात कंफर्म है कि जो दोनों कंपोनेंट्स बने हैं वी एक्स और वी वाई, इन दोनों को ऐड करके हम वी को हासिल कर सकते हैं। तो ये बात मैंने आपको लोगों को सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए रखी थी कि भाई आप समझ जाइए कि इसके कॉम्पोनेंट्स हैं और उन दोनों को ऐड करके वैक्टर को हासिल किया जा सकता है। नाउ सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था कॉस थीटा के बारे में, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, ठीक है, ये बात आप याद रखिए। कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटन्यूज। हाइपोटन्यूज कौन सी साइड होती है, हाइपोटन्यूज होती है 90 डिग्री के, ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली होती है हाइपोटन्यूज। तो फिलहाल हमारे लिहाज से जो हाइपोटन्यूज है वो वी है या ओ से लेके ए है, और बेस क्या हो गई, परपेंडिकुलर, देखो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, और जो बच गई वो है बेस, यानी कि जो वी एक्स है या ओ से लेके बी है वो एक्चुअली जाहिर करेगा बेस को। तो इसी वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री आपको समझाई थी ताकि आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझ सकें, और अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आप फौरन उस लेक्चर को जाके देखो जिस लेक्चर के अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना सिखाया है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम कॉस थीटा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए बी कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, ठीक है। और अभी मैंने आपको समझाया बेस क्या है, बेस है ओ से लेकर बी जो मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटन्यूज। हाइपोटन्यूज क्या है, हाइपोटन्यूज होता है 90 डिग्री के सामने जो कि है ओ से लेके ए वाली साइड। तो यहाँ पे आ गया ओ से लेके ए, और इसी को अगर वेक्टर के नाम के लिहाज से लिखें तो ओ बी का क्या नाम है, ओ से लेके बी तक का नाम है वी एक्स, तो पर वी एक्स आ गया, और ओ से लेके ए तक का नाम है वी, तो डिवाइड में आ गया वी। इसी तरीके से अगर वी एक्स की वैल्यू को अलग करेंगे तो वी डिवाइड हो रहा है वी एक्स के साथ जाके, कॉस थीटा के साथ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वी एक्स का फॉर्मूला बनेगा वी कॉस थीटा। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट जो है वो एक्चुअली बराबर होता है वी कॉस थीटा के, वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। लेट से दिस इज आर इक्वेशन नंबर वन, आगे यूज करना है लेक्चर के अंदर। वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा की क्या प्रॉपर्टी बताई थी, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, ठीक है। साइन थीटा, थीटा जिससे हम परपेंडिकुलर को पहचानेंगे, और ये खुद बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज। तो हाइपोटन्यूज तो ऑलरेडी आप पहचान गए थे, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटन्यूज यानी कि ओ से लेके ए, और परपेंडिकुलर होता है थीटा के सामने, थीटा के सामने ए से लेके बी, ए से लेके बी वाली जो साइड है थीटा के सामने वाली वो परपेंडिकुलर है जो कि वी वाई के बराबर है। तो ठीक है, ट्राइंगल ओ ए बी से फाइंड कर लेते हैं, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, तो ऊपर आ गया ए बी, और हाइपोटन्यूज तो वही है ओ से लेके ए 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये वाली साइड। तो ठीक है, ए बी और ओ ए की वैल्यू रखते हैं, तो ए बी खुद किसके बराबर है, ए से लेके बी तक बराबर है लंबाई वी वाई वैक्टर के, और इसी तरीके से ओ ए ये वाली जो साइड है बराबर है वी वेक्टर के, तो वहाँ पे वी वेक्टर आ गया। और फिर वी वाई की वैल्यू निकालनी है तो वी दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा के साथ, तो वी वाई का आंसर आ जाएगा वी साइन थीटा, जैसे उसका आंसर वी कॉस थीटा आया है इसका आंसर आ जाएगा वी साइन थीटा, ठीक है। अब हमने कॉम्पोनेंट्स निकालना सीख लिया, अब इन कॉम्पोनेंट्स की मदद से वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड निकालना और डायरेक्शन निकालना सीख लेते हैं। इक्वेशन वन याद रखो वी कॉस थीटा है, और इक्वेशन टू है वी साइन थीटा। सो डायरेक्शन मालूम करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन से, साइन थीटा वाली जो इक्वेशन थी उसको कॉस थीटा वाली इक्वेशन से डिवाइड कराएंगे, तो हमारे पास आएगा वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा होता है, वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा, और वी एक्स होता है वी कॉस थीटा के बराबर। सो वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स, और वी साइन थीटा डिवाइड बाई वी कॉस थीटा, वी से वी हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स टेन थीटा। टेन थीटा इस वैसे आ गया क्योंकि साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा खुद बराबर होता है टेन थीटा के, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में भी मैंने समझाया था आपको। सो वी वाई डिवाइड बाय वी एक्स इज इक्वल टू
टेन थीटा, और क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए थीटा की तो हमें टेन इनवर्स लेना होगा, और टेन इनवर्स लेंगे तो आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स। तो कभी भी अगर एंगल मालूम करना होता है वेक्टर्स के कॉम्पोनेंट से वेक्टर का एंगल मालूम करना होता है तो उसके लिए हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई ओवर वी एक्स। सो दैट्स इट, आई होप अब आपको जो है वो कोई परेशानी नहीं होगी वेक्टर्स को रिजॉल्व करने में, उससे मैग्नीट्यूड फाइंड करने में और उससे वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करने में। और अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।